हेलो एवरीवन। इससे पहले हम आपको क्वेश्चन बताए थे, जैसे देखिए एक मिल्क कंटेनर था 400 कितना था 3 था, 434 था, 465 था, इतना लीटर था मिल्क। और इसको मेजर करना था एग्जैक्ट कितना टाइम्स में, तो 31 आया था तीनों का एचसीएफ, जो तीनों को एग्जैक्ट मेजर करेगा, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करेगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करने का मतलब कि इसमें कुछ बचे नहीं, ये 30 टाइम्स मेजर हो जा रहा है, 40 टाइम्स मेजर हो जाएगा और ये 50 टाइम्स मेजर हो जाएगा। मेजर होने के बाद इस कंटेनर में एक भी लीटर मिल्क नहीं बचेगा, मतलब 100 मिलीलीटर भी नहीं बचेगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट में कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर 3/8 मीटर 5 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए 7 मीटर है और ये मीटर और सेंटीमीटर में है, तो आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर तो 300 मीटर प्लस 85 सेंटीमीटर 385 सेंटीमीटर, 12 मीटर 1200 मीटर प्लस 95 सेंटीमीटर 1295 सेंटीमीटर, सबको हम एक्सचेंज कर लिए सेंटीमीटर में जो मीटर था। अब इस इतना इतना लेंथ का क्या है, कपड़ा है, वो कपड़ा को एग्जैक्ट मेजर करना है। जैसे 700 मीटर का लेंथ का एक कपड़ा है, एक 385 का है और एक 1200 का है, ठीक है, 1295 मीटर का है, इसको एग्जैक्ट मेजर करना है, तो एक सेंटीमीटर का है। तो एग्जैक्ट मेजर करना है कहने का मतलब कि जब इसको मेजर किया जाए जितना भी टुकड़ा में और इसको मेजर किया, तो फिर उसके बाद कोई भी सेंटीमीटर लेंथ नहीं लेफ्ट हो, नहीं लेफ्ट हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट मेजर करना है, लॉन्गेस्ट स्टेप से मेजर करना है, तो क्या निकालेंगे हम लोग, एग्जैक्ट डिवाइजर क्या होता है, एचसीएफ होता है, लॉन्गेस्ट हाइएस्ट एग्जैक्ट डिवाइजर एचसीएफ। तो ये तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे, देखिए कितना आया 35, कितना आया 35। अब 35 से इसको मेजर कीजिएगा तो कितना टाइम्स में मेजर हो जाएगा, 20 टाइम्स में, और एक कितना टाइम्स में मेजर हो जाएगा 35 11 टाइम्स में, और एक कितना टाइम्स में मेजर हो जाएगा, कितना टाइम्स में 3 एंड कितना 37 टाइम्स में, ठीक है, देखिए यहां पे 37 टाइम्स में। तो मेजर होने के बाद इसमें एक भी लेंथ जो टेप है ना, इसमें एक लेंथ का कपड़ा बचेगा ना, इसमें बचेगा ना, इसमें बचेगा, मतलब 35 मीटर का हम लोग इसको मेजर कर लिए लॉन्गेस्ट टेप से, तो नहीं इसमें बचेगा कोई भी कपड़ा ना, इसमें बचेगा ना, इसमें बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए, इस क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर कोर्ट याद है, रेक्टेंगुलर कोर्ट याद करने का मतलब समझिए कि अब रेक्टेंगुलर पार्क है या रेक्टेंगुलर फील्ड है या रेक्टेंगुलर एक ग्राउंड है, कोर्ट याद है, तो उसको इतना मीटर लॉन्ग है, इतना मीटर लंबा है और इतना मीटर चौड़ा है, इतना मीटर लंबा है, इतना मीटर चौड़ा है, तो इसमें हमको टाइल्स लगाना है, क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। तो इतना मीटर इतना सेंटीमीटर, पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया और इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो 1872 सेंटीमीटर 1320 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका दोनों का अब लॉन्गेस्ट टाइल्स, जो टाइल्स आना चाहिए ना उसका साइज लॉन्गेस्ट रहना चाहिए, जो टाइल्स आना चाहिए तो लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट कौन देगा, एचसीएफ देगा, तो एचसीएफ हम ये दोनों का निकाले तो 24 आया, 24 सेंटीमीटर का टाइल्स जब हम लगाएंगे, 24 सेंटीमीटर का टाइल्स का साइज क्या होना चाहिए, 24 सेंटीमीटर टाइल्स का साइज क्या होना चाहिए, 24 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पूरा में लगाना है, तो पूरा में लगाना है तो पूरा में 24 सेंटीमीटर आएगा, और ये पूरा में लगाना है तो पूरा का एरिया निकालेंगे तब ना पता चलेगा कितना टाइल्स हमको लगेगा, और एक का लेंथ इतना है 24 सेंटीमीटर। तो टाइल्स जो है वो स्क्वायर टाइल्स है, अब फील्ड क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होता है, ए इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड मतलब 24 इंटू 24, एक स्क्वायर है 24 का तो दूसरा भी 24 का और तीसरा भी और चौथा भी, ठीक है, तो 24 इंटू 24 इसका एरिया दे देगा। तो एक टाइल्स का एरिया कहने का मतलब पूरा का एरिया कितना आया, इतना आया 1872 इंटू 1320, इतना आया पूरा का एरिया, और एक स्क्वायर टाइल्स का एरिया कितना है 24 इंटू 24, तो एक स्क्वायर टाइल्स इस पूरा एरिया में इतना जगह छेद रहा है, तो वो जो पूरा स्क्वायर टाइल्स लग रहा है वो कितना एरिया छेदेगा, तो इतना डिवाइडेड बाय इतना मतलब रेक्टेंगल का एरिया बाय स्क्वायर का एरिया, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल a इनटू b
by area of a square, side into side. तो देखिए 24 से 78 times में divide हो रहा है, 24 से 55 times में, तो 75 into 55, 4290 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो इतना टाइल्स लगेंगे उस फील्ड को कवर करने में, पेव करने में, ठीक है, इतना टाइल्स लगेंगे। कैसे बना यहाँ पे, सबसे पहले हम सेंटीमीटर में चेंज किया, उसके बाद एसीएफ निकाले, तो एसीएफ हमको लॉन्गेस्ट साइज दे दिया, जो स्क्वायर टाइल्स का लॉन्गेस्ट साइज, और टाइल्स का है स्क्वायर है, एरिया देखिए एरिया में पूरा में लगाना है ना, तो पूरा एरिया ये को कवर कर रहा है, तो जितना भी नंबर 4290 टाइल्स इसमें लगा देंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। तो इसका एरिया भाई, इसका एरिया क्या दिया, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल गया, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स निकल गया। अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 34, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फर्स्ट में है इसका टू प्राइम नंबर्स, तो दो प्राइम नंबर आप बोलिए, देखिए यहाँ पे टू और थ्री प्राइम नंबर है, थ्री और फाइव प्राइम नंबर है, फाइव और सेवन प्राइम नंबर है, सेवन और इलेवन प्राइम नंबर है, इलेवन थर्टीन प्राइम नंबर, सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी वन थर्टी सेवन, ये सब में से कोई दो प्राइम नंबर ले लीजिए, सबका प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, वन आएगा, क्या आएगा, वन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में, वन, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, वन, ऑलवेज वन, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ वन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट में आ गया, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार, तो लगातार देखिए 5 और 6, 7 8 9 10 11 12, ये सब नंबर क्या है, लगातार है, इससे पहले 4 3 2, ये सब में से कोई दो नंबर आप उठा लीजिए, जैसे 10 और 11, ठीक है, तो ये दोनों का एचसीएफ निकालिएगा ना, तो 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर भी अपने आप में को प्राइम होता है, क्या होता है, को प्राइम होता है, और दो प्राइम नंबर भी को प्राइम होता है, को प्राइम नंबर होता है, तो एचसीएफ को प्राइम का क्या होता है, 1 आता है। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर 99 एंड 100 का आप निकालिए, 1000 एंड 100 1001 का निकालिए, तो दो कोई भी प्राइम कंसेक्यूटिव नंबर का आप एचसीएफ निकालिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है कि टू को प्राइम, तो टू को प्राइम को तो आप आपको हम शो करके बता ही दिए हैं, टू को प्राइम, तो टू को प्राइम का एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है, टू को प्राइम का एचसीएफ 1 आता है। फिर फोर्थ में क्या रहा है, टू एंड एन इवन नंबर, टू एंड एन इवन नंबर, तो दो, एक नंबर दो है और एक कोई और इवन नंबर है, मतलब मान लीजिए 1000 है या 2648 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर टू है दोनों में, तो टू को टू ही ना डिवाइड कर पाएगा, दूसरे लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो टू एंड एन इवन नंबर, एंड एन इवन नंबर, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, टू होगा। दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1, दो कंसेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ 1, दो को प्राइम के नंबर, को प्राइम का एचसीएफ 1, और टू एंड एन इवन नंबर का एचसीएफ 2, टू एंड इवन नंबर का एचसीएफ 2, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। एक्सरसाइज 2 जी आप लोग का सब क्वेश्चन हम बता दिए हैं एक्सरसाइज 2 डी में, नेक्स्ट हम आप लोग को एलसीएम निकालने के लिए बताएंगे, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए बताएंगे, और उस पर जितना क्वेश्चन रहेगा वो सब बताएंगे, और आप लोग एग्जाम्पल भी बनाइएगा, हम एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, ठीक है, आप एग्जाम्पल जरूर बनाइए। थैंक यू।